तो आज की क्लास जो है इसमें हमने 21 वोकैबुलरी लिया है जो कि आपको बताने जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी है, मीनिंग है रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है समझा, रियलाइज मतलब समझ गया। उसके बाद है डिप्लिक्स, डिप्लिक्स का मतलब होता है प्रदर्शित करता है, डिप्लिक्स यानी प्रदर्शित करना। थर्ड है वे, वे मतलब होता है आमतौर पर रास्ता, लोग जानते हैं कि वे मतलब रास्ता होता है लेकिन इसका मतलब ये मतलब तरीका भी होता है। अटर्ली, UTTERLY, अटर्ली में होता है पूरी तौर पर, पूरी तौर पर। वेरियंस, वेरियंस मतलब विभेद या विभिन्न। उसके बाद है हॉलमार्क, हॉलमार्क काफ़ी प्रचलित शब्द है क्योंकि हॉलमार्क कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क होना निश्चित होना चाहिए कि हॉलमार्क है कि नहीं, इससे हमको यह समझ में आता है कि वो जो वस्तुएं हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो उसके लिए हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क यानी प्रमाणिक चिन्ह या विशेषता। उसके बाद है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब एकता या अखंडता। उसके बाद है एप्रिसिएशन, APPRECIATION, यानी एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा। उसके बाद है पासेस, PASSES, पासेस मीन्स कब्जे में लेना, पासेस मतलब कब्जे में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल यानी अत्यावश्यक, अति आवश्यक, जिसको नेसेसरी भी आप बोल सकते हैं। इल्स, इल्स मीन्स अलावा या दूसरा। इकोनोग्राफी, इकोनोग्राफी यानी चित्रकला, आइकोनोग्राफी यानी चित्रकला, आइकोनोग्राफी यानी चित्रकला। स्टीयर, STER, स्टीयर मीन्स क्या होता है, मार्ग दिखाना या रास्ता दिखाना। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंसीस, इनकन्सिस्टेंसीस का मतलब होता है विसंगतिया, इनकन्सिस्टेंस का मतलब होता है विसंगतिया। उसके बाद है एस्पेक्ट्स, ASPECT, एस्पेक्ट्स में होता है पहलू, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, एस लग गया है तो पहलू हो जाएगा। उसके बाद है प्रिवेलिंग, PREVAILING, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित। एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, एनफ, इसको आप एनफ भी कर सकते हैं, एनफ पर्याप्त। उसके बाद है कॉन्वोल्यूशन, तह लपेट, CONVOLUTIONS, कॉन्वोल्यूशन मिस होता है तह, तह लगाना या लपेटना किसी कपड़े को। नेक्स्ट है ऑन डायरेक्शनल, ऑन डायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ऑन डायरेक्शनल एक ही दिशा में। सैंडविचिंग, सैंडविचिंग का मतलब होता है दो के बीच में डालना, दो के बीच में डालना, क्या होता है सैंडविचिंग, दो के बीच में डालना। उसके बाद है लास्ट ग्लिम्स, GLIMPS, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, ग्लिम्स मतलब क्या होता है झलक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।